हमारे पास में आया हुआ है कुछ इस तरह से लाइनर पेन कलर, जो कि इस तरह से लाइंस करता है। और इसमें हम लोग, अगर आपका कलर ख़त्म हो जाता है या कुछ हो जाता है इसमें, तो आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं। ऐसा कुछ है, ये ट्राई करते हैं, एक एक करके निकालेंगे हम लोग सारे ही ट्राई करके। आपको कुछ पेपर में ट्राई किया हुआ है हमारे पास में, एक कुछ इस तरह से है सारे ही डिज़ाइन, मगर हम लोग आपको आपके सामने ही इसको ट्राई करेंगे और किस तरह से इसमें क्या फिल करना है, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग आपको वीडियो में ही बता देंगे। कुछ इस तरह से है ये कलर, आपको ऊपर ही की साइड से फिल करना है, ऊपर के साइड में जो स्पॉन्ज है उधर ही से कलर फिल करना है। इसमें जो भी इंक होगी इसमें की, वो इंक को फिल करना है। लाइनिंग कुछ इस तरह से लाइनिंग्स आती हैं, और अभी हम लोग आपको ट्राई करके भी बता देते हैं कुछ लाइनिंग्स, इस तरह से लाइनिंग्स इस पर आएगी बड़ी ही शार्पनेस से। में लाइनिंग जो है आ रही है, एक तो यूज़ एकदम प्रॉपर करने आना चाहिए आपको। मैं जिस तरह से अच्छा से प्रेस करके इसको नीचे की तरफ पे खींच रहा हूँ ना, इस तरह से ऐसे रखा आपने, नीचे की तरफ पे आप किसी भी एंगल में लेके जाओगे, वो उस एंगल में अपना डिज़ाइन बनाते हुए आपको मिल जाएगा एक अच्छा सा स्टैम्पिंग। ये भी बड़ा अच्छा है, कुछ इस तरह से मैं यहाँ दिखाता हूँ। और ये है ग्रीन कलर वाला, इसकी लाइनिंग बड़ी ही अच्छी आ रही है। पेपर एकदम प्रॉपर ठीक होना चाहिए इसके लिए, तो आपको लाइनिंग कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी, जैसे कि कुछ ऐसे। मैंने सारी बता दी इस तरह से, और कितना ही फाइन इसमें स्टैम्पिंग हो रही है आपको दिख रहा होगा फाइनली एकदम। और मुझे इसके ही पेपर पर ट्राई करना पड़ा कुछ इस तरह से।